अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। वेलकम टू माय चैनल माशाल्लाह हैदराबादी रेसिपीज़। में आज हम बनाएंगे अरवी का खट्टा शेरवा। चलिए अब हम बनाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले कुकर में ऑयल डाली मैं 5 टेबलस्पून। अब हम इसमें डालेंगे प्याज, 5 से 6 डाली प्याज है। प्याज को लाइट ब्राउन कर लेंगे। देखिए माशाल्लाह हमारी प्याज अच्छे से लाइट ब्राउन हो गई। अब हम इसमें डालेंगे 300 ग्राम मटन। मटन को प्याज को अच्छे से मिक्स करेंगे। चलिए अब हम डालेंगे टमाटे, 1/2 किलो टमाटे है ये। अब हम इसमें डालेंगे 2 टीस्पून अदरक लहसुन, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1.5 टीस्पून नमक, 2 टीस्पून मिर्ची। सब मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें 1 गिलास पानी डाल के गोश्त गलने के लिए ढक्कन ढाप के रख देंगे। 3 सीटी देंगे। देखिए माशाल्लाह हमारा गोश्त अच्छे से गल गया। अब अच्छे से भुनेंगे टमाटे प्याज को। अच्छे से भुनना, टमाटे प्याज दिखे तो सालन अच्छा नहीं दिखता, टेस्ट भी नहीं आता। अब हम इसमें एक भगोने में ट्रांसफ़र कर देंगे। चलिए हम इसमें डालेंगे खट्टा, 50 ग्राम इमली भिगाई थी मैं। खट्टा आप लोग कितना खाते कम ज़्यादा वही हिसाब से ले सकते। अरवी को गला लेंगे, 1/2 गिलास पानी डाल के अलग से गला रही हूँ मैं। आप लोग चाहे तो गोश्त गलने के बाद टमाटे वे भुने बाद में भी डाल सकते। देखिए अरवी गल गई। अब मैं इसमें डाल दी अरवी, 2 गिलास पानी ऐड करके शेरवा अच्छे से पकने के लिए 10 मिनट रखेंगे। देखिए माशाल्लाह हमारा शेरवा अच्छे से पक रहा। अब हम इसमें डालेंगे कोतमीर, करिया पाक, हरी मिर्ची, सब चीज़ें डाल के 5 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। देखिए माशाल्लाह हमारा शेरवा बन के रेडी हो गया। अब हम फ्लेम को ऑफ करेंगे। मेरी रेसिपी आपको पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन को क्लिक करिए। दुआ में ख्याल रखिए। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।